2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में दो राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। जी हाँ, भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस लोकसभा चुनाव में उभर कर के सामने आई, क्योंकि दक्षिण में तो हमेशा से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लेकिन 10 सालों से जो उत्तर भारत का किला भारतीय जनता पार्टी ने अभेद्य बना रखा था, इस बार उस किले में सेंधमारी होती हुई नजर आई। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव के वक्त पर सरकार बदल जाती है, और ये परिपाटी पिछले 45 सालों से जस की तस चलती आ रही है। एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। यही कुछ 2023 में होता हुआ नजर आया। लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हुए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई, एक तरफा बहुमत मिला और सरकार का दावा उन्होंने ठोक दिया। भजनलाल शर्मा इस वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं और सरकार चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, उसके तमाम सहयोगी दलों ने, यह यूं कहे कि इंडिया अलायंस ने 2024 में राजस्थान के किले को भी भेद दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी, और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर पूरे राजस्थान में भगवा फहरा दिया गया था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग थे। आखिरकार 14 यहाँ पर जो 13 जो सीटें जीती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, वो वाकई में अखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मजबूती के साथ अब दावे ठोक रहा है। सचिन पायलट का रीजन, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। गोविंद सिंह डोटासरा का रीजन, वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल भी एक बार फिर से नागौर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आए। तो क्या जो दिग्गज नेता हैं, और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिनमें सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, अशोक गहलोत का किला इस लोकसभा चुनाव में कमजोर नजर आया। हालांकि जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से उनके बेटे वैभव गहलोत को जरूर यहां पर जो है बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी तो इस प्रदर्शन से खुश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में यहां पर और अब 2024 में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने तो 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके अपना पुराना वर्चस्व हासिल करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज नेताओं का क्या होगा जिनमें सीपी जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे तमाम, सतीश पूनिया जैसे तमाम नेता शामिल हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि चूरू की तारानगर सीट से चुनाव लड़े थे विधानसभा का चुनाव और वहां से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा सीट से राहुल कासवान का टिकट काटा, राहुल कासवान कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको जीत मिल जाती है। तो क्या बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां कमजोर रही है? आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंताजनक विषय है। जिन चीजों को लेकर के भाजपा लगातार लोगों के बीच जाती रही है, वोट की अपील करती रही है, इस बार धरातल पर उन मुद्दों की लड़ाई नजर नहीं आई। धरातल पर परंपरागत मुद्दे कायम रहे, उनमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, युवाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य के, बिजली व्यवस्था, सड़क, पानी और तमाम चीजों के ये मुद्दे जो है ज्वलंत रूप से विपक्ष की तरफ से उठाए गए। संविधान को बदलने की पराकाष्ठा की भी बात की गई कि बीजेपी 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के भी कई नेता यहां पर जो बीजेपी का 400 पार का नारा था उसको, उसकी मुखालफत करते नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे चुनावी समीकरण को साधने का प्रयास किया वो सही सटीक तरीका नहीं था। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया की बात काफी जरूरी हो जाती है। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे सिंधिया क्या अब आगामी वक्त में बीजेपी में ही शामिल रहेंगी? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत राजे झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके आए हैं, बशर्ते न तो दुष्यंत सिंह राजे को कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया और ना ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया गया और ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यानी कि वसुंधरा राजे के जो तल्ख तेवर जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से वो अपने विचारों को रखती हैं,
कहीं ना कहीं बीजेपी में अब उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके विचारों का हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़े चेहरे को संगठन से दूर ना होने दिया जाए, लिहाजा चुनाव में भी ये चीजें जो है कहीं ना कहीं सामने आती रही। और आपको बता दें कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के पास हार और जीत का फर्क राजस्थान में सिर्फ इतना था कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा, महिला चेहरा नहीं था जो कि महिला वोट बैंक को साध सके, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरीके से महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की, 10% अधिक महिलाएं घरों से बाहर निकली विधानसभा चुनाव में, उन्होंने वोट डाला, और वही 1.5% का जो अंतर था वो यहां पर सीटों में काफी अधिक दिखाई दिया, लिहाजा बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया क्या बड़ी बगावत करेंगी? दर्शकों, यहां पर इतिहास के पन्नों को पलटना काफी जरूरी है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 2014 से पहले, जब ये रणनीतियां चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले तैयार की जा रही थी कि आखिरकार यदि नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, या यूं कहें कि भाजपा की सरकार बनती है, तो नरेंद्र मोदी के अलावा कौन चेहरा यहां पर बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए यहां पर सुटेबल रहेगा, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम ये दिग्गज चेहरे शामिल थे। और इन चेहरों को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा था कि नरेंद्र मोदी उतना शायद फेवरेट चेहरा नहीं रहेंगे, या उनको टक्कर देने में ये चेहरे जरूर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता कटता हुआ मध्य प्रदेश से नजर आया, और वसुंधरा राजे सिंधिया का भी कटता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गत दिनों ये जो है कहीं ना कहीं एहसास बीजेपी को करवा दिया था कि बीजेपी से तमाम दिग्गज नेता नाराज हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरे आगामी वक्त में यहां भारतीय जनता पार्टी संगठन को टाटा बाय कह करके अपनी नई पार्टियों का ऐलान करने वाले। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से वो पहल की जाएगी? क्या लोकसभा चुनाव की हार जो हुई है बीजेपी के लिए, विशेष तौर पर उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जो है बीजेपी कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आई है, तो ऐसे में क्या इस हार के चलते अब दिग्गज नेता यहां पर हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, हाईकमान को यहां से आंख दिखाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी, और इस लोकसभा चुनाव में तो राजस्थान में विशेष तौर पर देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया उतनी सक्रिय जमीन पर नजर नहीं आई जितनी कि उनको विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी। कि परंपरागत तरीके से जो 2 बार मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है, इस बार भी मुझे ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब क्या आगामी रणनीतियां कुछ इस तरीके से तैयार होंगी? क्या कांग्रेस पार्टी में भी कोई शामिल होने की विचार यहां पर किया जाएगा? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तो पिछले कुछ वक्त से हमने तलखी देखी थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से अशोक गहलोत के साथ उनकी बॉन्डिंग है, जिस तरीके से गहलोत कई बार खुले मंच से उनकी तमाम नीतियों की यहां पर सराहना करते हुए नजर आते हैं, और मुझे एक वाकया याद है दर्शकों, 2020 का जिस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सकते हैं, तो उस वक्त अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार को बचाने में अहम योगदान वसुंधरा राजे सिंधिया का रहा, लिहाजा मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का सम्मान करता हूं। और ऐसे में क्या अब अशोक गहलोत वसुंधरा के घटते कद का लाभ उठाने के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाएंगे? क्योंकि चेहरा बड़ा है, राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है, और बड़ा नाम होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी ना मिल पाना कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखना यह होगा कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं, और अशोक गहलोत के रीजन को छोड़ दिया जाए तो सचिन पायलट की जो इस लोकसभा चुनाव में जो एक सक्रियता नजर आई है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की यहां पर कांग्रेस पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी? क्योंकि सचिन पायलट के इलाके में हाड़ोती रीजन विशेष तौर पर देखा जाए जिसमें गुजर बाहुल्य वोट है, वहां पर बीजेपी को पटखनी देकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जीत हासिल की है, या तमाम सांसद वहां से बनकर के आए। ऐसे में ये लड़ाई काफी गंभीर हो गई है, और अब वसुंधरा राजे का क्या रहेगा, और सचिन पायलट को क्या इस जीत का यहां पर कोई रिवॉर्ड कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आएगी? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।